हाय दोस्तों, मैं हूं आपके साथ यास्मीन। बीते एपिसोड में टीवी इंडस्ट्री की पॉपुलर बहुएं रश्मि और देवोलीना की एंट्री बिग बॉस 13 के घर में वापस से हो गई। दोनों के आते ही जहां पारस छाबड़ा, माहिरा शर्मा, शहनाज गिल और अरहान खान समेत कई घर वालों के चेहरे पर खुशी देखने को मिली, तो वहीं सिद्धार्थ शुक्ला दोनों के एंट्री से ज्यादा खुश नजर नहीं आए। सोशल मीडिया पर कई फैंस ने भी दोनों एक्ट्रेस की घर वापसी पर लगातार रिएक्शंस देना शुरू किया है। इसी बीच बिग बॉस की एक्स कंटेस्टेंट रही किश्वर मर्चेंट ने भी ट्वीट पर ट्वीट करते हुए अपनी राय रखी। किश्वर ने ट्वीट करते हुए रश्मि की वाट लगाई है और लिखा है, पिछले 6 हफ्तों से रश्मि का सिर्फ एक ही मुद्दा है, सिद्धार्थ शुक्ला यार बहुत बोरिंग हो। मैंने सोचा कि कुछ नया सोच के साथ घर में वापस आई हो, अपना गेम ऊपर करो बेब, वो तुम्हारे बारे में बात नहीं करता है। वही रश्मि देसाई के अलावा किश्वर मर्चेंट ने माहिरा शर्मा को भी लतार लगाते हुए लिखा, माहिरा कंप्लेंट ऐसे कर रही है तो जैसे रश्मि पता नहीं क्या कर लेंगी सिद्धार्थ का। किश्वर ने बिग बॉस की खिल्ली उड़ाते हुए लिखा, पढ़ा लिखा कर भेज दिया रश्मि और देवोलीना को बिग बॉस ने, अब देखते हैं दोनों मिलकर क्या करती है। तो देखा आपने, किश्वर ने सिद्धार्थ का सपोर्ट करते हुए रश्मि और माहिरा की तो वाट लगाई ही, साथ ही बिग बॉस की फिरकी ले डाली है। कहना गलत नहीं होगा कि टीवी स्टार्स भी सिद्धार्थ शुक्ला का खुलकर सपोर्ट कर रहे हैं, जिनमें किश्वर के अलावा काम्या पंजाबी, युविका चौधरी और विकास गुप्ता जैसे स्टार्स भी शामिल हैं। वैसे किश्वर के ट्वीट पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऑब्वियसली शी इज टू बी अ पार्ट ऑफ एक्स कंटेस्टेंट है, लेकिन आई एम ऑल्सो वॉचिंग इट बिकॉज my two screen mothers are there inside, so it's really fun watching them. Aarti Singh, and Aarti Singh was my real mother, and even Devolina. So we have one contestant we are actually supporting, that is Aarti. Yeah, so they both are there inside and they are playing really well, so yeah, all the best. Yeah, I'm watching it and I'm really happy that you know it's actually sirf celebrities ka hai is bar, so yes. Yeah, it's good watching it and of course personally baat kariye to aapka favorite content kaun aapke hisab se sahi ja raha hai, mere hisab se jo sahi ja raha hai I think Sana is very very entertaining, so she is going to stay there for a very very long time, maybe till the end, and see I mean Devolina is ki baat play kar rahi hai, but I'm sorry but she's really not doing anything much in the house, that's what I'm saying, she's she's only cooking and that's it. So I think पारस जो दिख रहे हैं सबसे ज़्यादा, आप पारस, सिद्धार्थ एंड यू नो रश्मि एंड सना, माहिरा, आरती, या मतलब ये इतने ही लोग दिख रहे हैं, शिफाली आई थिंक एंड सिद्धार्थ, सो दी अदर्स आर जस्ट यू नो या लाइक मैंने देखा नहीं है देखा नहीं है हम सीजन 1 की बात करते हैं इनसे पहले नहीं मैंने एक्चुअली नहीं मैंने बहुत कम देखा है एंड आई डू हैव इसलिए सीजन 1 देखना बंद कर दिया एग्जैक्टली इसको नहीं जिताया ना सॉरी या इट्स नॉट फेयर नॉट फेयर उसकी पिक्चर्स देख के मैं बोल रही हूँ ओह माय गॉड इसको जिता दो अभी जिता दो या व्हिच इज रियली लाइक कल मैंने इसका एक फोटोग्राफ देखा जिसमें इसकी आई हर्ट हो गई थी एंड ऑल ऑफ दैट आई एम श्योर यू ऑल डोंट नो सी आई एम गिविंग अ मसाला सो उसकी आंख पे चोट आ गई थी एंड या सो आई थिंक हमारी लड़की ने बहुत बहुत एडवेंचर है भाई लड़की बहुत मेहनत की है शी हैड टू लेट गो बट या हाँ द जर्नी वॉज ब्यूटिफुल एंड मैं रुक नहीं सकती जब वो मतलब आई कॉन्ट वेट फॉर इट टू एयर ऑन टी वी और बहुत आई थिंक इट्स लाइफ टाइम एक्सपीरियंस जस्ट लाइक आई कीप सेइंग फॉर बिग बॉस इज अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस शी हैज द सेम थिंग टू से अबाउट खतरों के खिलाड़ी एंड शी हैज द सेम साथिया लाइफ टाइम एक्सपीरियंस I think सबसे अच्छा रिएक्शन मेरी इंजरी को लेके किश्वर ही देंगे क्योंकि शी वाज पेट्रिफाइड कैसा था आप बताइए आई वाज लाइक ओह माय गॉड एंड सनी ने बोला कि तूने देखा नहीं अरे बात मैंने तो डिलीट कर दी फोटो यार जैसे उसने मुझे भेजा मैंने डिलीट कर दी ऐसा उसने मुझे बोला उसके बाद भी मुझे इमेजिन लोग मेरी इंजरी की पिक्चर देख के डिलीट कर रहे हैं एवरी मॉर्निंग आई हैड टू वेक अप एंड सी माई सेल्फ इन द मिरर लाइक दैट थोड़ा टफ तो था ही बट आई थिंक इट्स ओके यार मतलब एक्सपीरियंस इट्स एन एक्सपीरियंस Experience.